मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हम हमारा फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें फाइबर्स पढ़ेंगे। प्लांट गिव अस फाइबर्स विच कैन बी मेड इनटू क्लॉथ्स। पौधों से हमें फाइबर मिलता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं। कॉटन जूट फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लॉथ्स, रोप्स, बैग्स, मैट्स ईटीसी। कॉटन और जूट के फाइबर का उपयोग कपड़े बनाने में, रोप्स, बैग्स और मैट्स बनाने में किया जाता है। फर्स्ट पिक्चर में कॉटन फाइबर है और सेकेंड में जूट फाइबर है। मेडिसिन्स, वी गेट मैनी हर्ब्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें पौधों से कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। टर्मरिक, हल्दी एंड नीम हैव बीन यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी हल्दी और नीम का उपयोग लंबे समय तक एंटीसेप्टिक बनाने में प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक प्रिवेंट कट्स फ्रॉम बिकम सेप्टिक, यानी एंटीसेप्टिक जो है वो सेप्टिक बनने के बाद जो कट्स हैं उनको रोकता है। द बार्क ऑफ साउथ अमेरिकन सिनकोना ट्रीज वर यूज्ड टू मेक मेडिसिंस कॉल्ड कुनेन। साउथ अमेरिका के जो लोग हैं वो सिनकोना वृक्ष की छाल को मेडिसिन के रूप में, जैसे कि कुनेन का कुनेन बनाते हैं। कुनेन इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया। कुनेन जो है वो मलेरिया का इलाज करने में काम आती है। परफ्यूम, फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन गिव अस परफ्यूम्स। यानी विभिन्न प्रकार के जैसे फूल हैं, रोज है या जैस्मिन है, इससे हमें यानी कि परफ्यूम मिलती है। परफ्यूम्स आर प्लीजेंट इन स्मेल। परफ्यूम्स जो होती हैं उनकी जो गंध होती है वो सुहावनी होती है। दे आर यूज फॉर मैनी पर्पज़, इनका उपयोग विभिन्न पर्पज़ के लिए किया जाता है। फर्नीचर, वी गेट वुड फॉर फर्नीचर्स, डोर्स, विंडोज़ ईटीसी फ्रॉम ट्रीज। हम विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का उपयोग जैसे फर्नीचर के रूप में, विभिन्न प्रकार के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, इनको बनाने में करते हैं। वी गेट वुड फ्रॉम सीसम, साल, टीक, मैंगो, चंदन ईटीसी। हम जो लकड़ी प्राप्त करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए वो सीसम से, साल, टीक, मैंगो और चंदन से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन। यानी पौधे और जो पेड़ हैं वो किस प्रकार से पोल्यूशन को कम करते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। यानी पौधों से हमें ऑक्सीजन और वाटर वेपर मिलता है। ऑक्सीजन कीप्स एयर फ्रेश एंड क्लीन एंड वाटर वेपर हेल्प इन वाटर साइकिल। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कीप एयर फ्रेश, ऑक्सीजन जो है वो हवा को बिल्कुल फ्रेश और साफ रखती है, और वाटर वेपर्स जो हैं वो वाटर साइकिल में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन रेन, और उनसे यानी ये बारिश में भी सहायता करते हैं। रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड अलोंग द रोड्स रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। यानी कि सड़क के किनारे किनारे पर पेड़ों की कतार लगानी चाहिए जिससे कि जो एयर पोल्यूशन है और नॉइज़ पोल्यूशन है वो कम हो सके। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर प्लांट्स नियर आवर हाउसेज। हमें अधिक से अधिक पेड़ जो हैं वो हमारे घर के आसपास लगाने चाहिए।